हेलो बच्चों, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आज का अपना टॉपिक होगा, 12th क्लास का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, यानी हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये किस तरीके से है, कैसे फाइंड आउट करना है, वो हम अब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो चारों तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज में से आउटवर्ड निकलेंगी। क्लियर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हम पॉइंट ए, फील्ड के अंदर मानने हैं हमें पॉइंट, और एक मान लिया हमने पॉइंट बी। क्लियर, तो पॉइंट ए पर अगर आप देखोगे पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, और पॉइंट बी पर हमने मान लिया वी बी होगा, यानी पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड B आर वी बी वी ए एंड वी बी, है ना, A एंड B, यहाँ पर ये दो पोटेंशियल्स हमने देख लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि आप प्लस क्यू चार्ज के पास देखोगे तो पोटेंशियल वी बी है, और इससे थोड़ा सा दूरी यानी डिस्टेंस डी आर, ये जो बीच के डिस्टेंस हम डी आर मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी ए है, तो वी बी की वैल्यू वी ए से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वी बी ग्रेटर देन वी ए। क्लियर, अब अगर आप एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाओगे, ठीक है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स एफ डॉट डी आर। क्लियर, अब देखो यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स यहाँ पर कितना होगा, क्यू नॉट E होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट E R डॉट डी आर, और यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस सिंबल, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास था वर्क डन, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एक दूसरा क्या और है इलेक्ट्रिक क्या वर्क डन निकालने का, वो क्या कि सभी को पता है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, है ना, या फिर यूं कह सकते हो चार्ज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, ये होता है हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला। तो हमारे पास चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, पोटेंशियल क्या है, ए से लेकर बी तक मूव करवाया है हमने, तो ए से लेकर बी तक पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो वो कितना होगा, डी वी, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हो आप, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पर क्यू नॉट और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डी वी लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब देखो दोनों क्वेश्चन को बराबर रखो, आप बराबर रखने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन, राइट हैंड साइड क्या होगी, माइनस क्यू नॉट ई डी आर बराबर है क्यू नॉट डी वी, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने बराबर रखी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और ई की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, माइनस डी वी बाई डी आर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये देखो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया। तो यहाँ पर डी वी बाई डी आर है
इसे क्या है, यानी चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ जो है एक तरीके से वेरिएशन, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन किस चीज़ को दिखाता है, माइनस साइन दिखाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उस वही दिशा है, वही डायरेक्शन है, किसकी है वो दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर? तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको करना है।